दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर 9 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके तार गोल्डी बराड़ और लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। स्पेशल सेल ने इसको लेकर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में ऑपरेशन चलाया था। पुलिस ने शूटर्स के पास से 7 पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 11 फोन बरामद किए। पुलिस के मुताबिक सभी शूटर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। इन शूटर्स की गिरफ्तारी से दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों में होने वाली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को पुलिस ने समय रहते रोकने का दावा किया है। और सीधे रुख करते हैं प्रमोद शर्मा, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये जो 9 शूटर्स पकड़ाए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, कितनी बड़ी कामयाबी है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शूटआउट के मामले बहुत बढ़ गए हैं। देखिए, बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले काफी दिनों से लगातार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के इन लोगों को ट्रैक कर रही थी और 24 अप्रैल को एक FIR दर्ज करने के बाद सर्विलांस इनके ऊपर रखी जा रही थी। ये सारे एक दूसरे से फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के जरिए बात किया करते थे, ताकि एजेंसी इसके पकड़ में ना आ पाए। और सर्विलांस के जरिए इनकी जो है एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था, जिसके बाद कई सारी जानकारियां मिलने के बाद स्पेशल सेल के ACP हृदय भूषण, ACP ललित मोहन नेगी, इंस्पेक्टर सतीश राणा और इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम्स जो हैं वो पूरे उत्तर भारत में अलग अलग जगहों पर गई और वहां से या कई राज्य जिसमें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों से कुल 9 जो शूटर्स थे इनको जो है गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 7 पिस्टल और 31 जिंदा कारतूस बरामद किए, 11 मोबाइल फ़ोन बरामद किए। इन 9 लोगों के अलावा एक नाबालिग भी था जिसको अप्रीहेंड किया गया और दिल्ली लेकर आई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये कई सारी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं और ऐसी ही कुछ वारदातों को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी। तो स्पेशल सेल के इस ऑपरेशन की वजह से कई सारी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो हो सकती थी उन्हें टाला गया और साथ में एक्सटॉर्शन, मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और अलग अलग जो मामलों में ये लोग वांटेड रहे हैं, क्योंकि जो गोल्डी बरार है वो पूरे उत्तर भारत और ख़ासतौर पे दिल्ली NCR को ऑपरेट करता है, विदेश में बैठा हुआ है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद है। गोल्डी बरार के जरिए एक्सटॉर्शन जो है वो वसूली जाती है और हवाला के जरिए पैसा विदेश भेजा जाता है। गोल्डी बरार को भारत सरकार ने जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और लगातार उसको जो है भारत लाने की कोशिश की जा रही है। रेड कॉर्नर नोटिस उसके लिए जारी करवाया जा चुका है इंटरपोल के जरिए और अब उसके साथ में जो भारत के अंदर या कहें उत्तर भारत में इनके जितने भी शूटर्स हैं, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये सोशल मीडिया के ज़रिए और ख़ासतौर पे नाबालिग या ऐसे लोगों को अपने गैंग में शामिल करते थे जो कि इजी मनी कमाने का जो है वो सपना देखते थे और एक लैविश लाइफ जीने का सपना जिनकी चाहत होती थी, ऐसे लोगों को जो है अपने गैंग में शामिल करके उन्हें हथियार मुहैया कराए जाते थे, कारतूस मुहैया कराए जाते थे, फिर उन्हें टारगेट दिया जाता था। अगर कोई एक्सटॉर्शन देने में आनाकानी करता था तो उसके ऑफिस या घर के बाहर फायरिंग की जाती थी, उसे डराया जाता था और एक्सटॉर्शन वसूली जाती थी। लगातार किस तरीके से दिल्ली और NCR में ये पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो है वो बढ़ता जा रहा था और आए दिन शूटआउट और इस तरीके की गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाने के लिए स्पेशल सेल को कहा था और ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करने का जिम्मा स्पेशल सेल को दिया गया था और उसी कड़ी में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जब सर्विलांस के जरिए ये देखा गया कि कुछ बड़ी प्लानिंग जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है बातचीत ये आपस में कर रहे हैं जो कि अलग अलग राज्यों में छुपे हुए हैं, उसके बाद जब उनको जीरो डाउन किया गया तो उसके बाद कई सारी टीमें बनाई गई और अलग अलग राज्यों में भेजकर इन लोगों को पकड़ा गया है। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद उन लोगों के बारे में पता लगाया जाएगा जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे, जो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे थे, यानी कि जो इनके इनके छुपने में इनको हथियार मुहैया करा रहे थे, इनको पैसा मुहैया करा रहे थे और जो इनको इन्फॉर्मेशन जो है पास कर रहे थे कि किस
से एक्सटॉर्शन वसूलनी है और कौन जो है इनका बहुत ही इजी टारगेट बन सकता है। तो अब इनकी गिरफ्तारी के बाद जब इनको रिमांड पे लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के जो बाकी के एक्टिव मेंबर जो दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में छुपे हुए हैं उनकी उनके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। जितने भी डिजिटल डिवाइस इनके पास से बरामद किए हैं जिनमें मोबाइल फोन है 11 उनको जब उनका जब एनालाइज किया जाएगा तो पता किया जाएगा कि किस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में थे और विदेशों में जो गोल्डी बरार या फिर जो इनको इनके जितने भी हैंडलर हैं वो किस तरीके से इनको इंस्ट्रक्शन देते थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल के लिए है कि कुल 9 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है जबकि एक जो इनाइल को जो है अप्रिहेंड किया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये जो शूटर्स होते हैं विशेष तौर पर जिन गैंगस्टर्स का नाम इसमें आ रहा है चाहे वो लॉरेंस हो या गोल्डी बराड़ हो, ये लोग ऐसे लड़कों को या बच्चे जिनकी उम्र कम होती है 18 साल 20 साल 22 साल उनको ये टारगेट करते हैं, कुछ लोभ लालच देते हैं और इनका क्योंकि बैकग्राउंड नहीं होता तो पुलिस को भी इनको ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उस लिहाज से भी एक कहीं ना कहीं पुलिस के लिए स्पेशल सेल के लिए एक चुनौती होगी और इनके गिरफ्तारी से उनको हेल्प आउट होगा कि कैसे ये पूरा मैकेनिज्म उनका काम करता है। देखिए बिल्कुल, जी मीडिया ने पहले भी ये बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई या गैंगस्टर्स की जो किस तरीके से ये एक कंपनी का इन्होंने स्वरूप रूप ले लिया है और कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाई जा रही है। इसमें बाकायदा रिक्रूटमेंट करने वाले लोग बैठे हुए हैं और रिक्रूटमेंट किसका करना है सोशल मीडिया के ज़रिए जो है नज़र रखी जाती है। बहुत ज़्यादा जो इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर जो एक्टिव होता है उस पर कमेंट करता है या फिर उनसे जुड़ना चाहता है उन पर नज़र रखी जाती है और जिसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो उसको सबसे पहले अपने गैंग में शामिल करते हैं और अगर खासकर वो नाबालिग है तो वो उनकी सबसे पहली पसंदीदा पहली पसंद होती है। और इसके बाद इनको ये बाकायदा हथियार दिए जाते हैं, कारतूस दिए जाते हैं और फिर इन्हें टारगेट के बारे में बताया जाता है और जो ये पूरा मैकेनिज्म है ये ऐसी तरीके से बनाया होता है कि जो फायर हथियार देने वाला है और जिसको हथियार दिए जा रहा है उसको नहीं पता उसे किसको टारगेट करना है, टारगेट उसे बताने वाला कोई और होता है, हथियार चला के वो अपने दूसरे राज्य में चले जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस को उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस या जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है जो दूसरे राज्यों की पुलिस है उनसे लगातार संपर्क में रहती है और ऐसे लोगों की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज आती है या फिर ग्रैब आते हैं उन्हें आपस में शेयर करती है और डिटेल जो है जानकारी जुटाना कोशिश करती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी गैंगस्टर हैं वो अपना एक सोशल मीडिया उन्होंने अपना प्रोफाइल बना रखा है, बाकायदा अपने वीडियो अपलोड करते हैं, उनके वीडियो बनाकर जो है उनको ग्लोरीफाई किया जाता है और ये इन नौजवानों को इस भरोसा दिलाया जाता है कि अगर वो क्राइम की दुनिया में आते हैं और बड़ी वारदात करते हैं तो उन्हें भी देश से बाहर जो है निकालने में उनकी मदद की जाएगी और वहाँ पे वो बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसी लालच में जो भोला भाला जो नौजवान होता है उसे नहीं पता होता कि वो जुर्म की कैसे दलदल में फंसता जाएगा और उसके बाद वहाँ से वापस आना मुश्किल होता है और वो कानून का बड़ा गुनहगार बन जाता है। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।